सुनने वाले सारे भाइयों बहनों और छोटे बड़े सबको मेरी राम राम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिवरात्रि की कहानी। कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और परिवार वालों और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले सारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि व्रत की कथा। ये बड़े पुराने समय की बात है। एक बड़ा ही क्रूर बहेलिया था। बहेलिया यानी जो जंगल में पशु पक्षियों को मारकर उससे अपनी रोजी रोटी चलाता है। वो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए हर रोज न जाने कितने बेकसूर जानवरों को मारता था। एक बार की बात है, वो शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था। कई घंटे बीत गए, उसे एक भी शिकार नहीं मिला। आधे से ज्यादा दिन बीत गया, अब उसे भूख भी लगने लगी। भूख प्यास से बेचैन होकर इधर उधर घूमता हुआ वो एक तालाब के किनारे पहुंचा। तालाब के किनारे एक बेल का पेड़ था, उसके नीचे एक शिवलिंग बना हुआ था। उसने तालाब से पानी पिया और आसपास फिर से शिकार ढूंढने लगा, लेकिन अभी भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। ऐसे ही कुछ और समय बीता और रात होने लगी। तब बहेलिए ने सोचा कि शिकार तो मिला नहीं, घर जाने से कोई फायदा नहीं, मैं इस पेड़ पर चढ़कर थोड़ी देर सो लेता हूँ और कुछ देर बाद जागकर फिर से शिकार ढूंढने की कोशिश करूंगा। ऐसा सोचकर वो उस पेड़ पर चढ़ गया। एक डाली से दूसरी डाली को पकड़ते हुए ऊपर चढ़ने से पेड़ से बेल पत्ते टूट टूट कर शिवलिंग पर गिरने लगे। बहेलिया पूरे दिन का भूखा तो था ही, और अब इस तरह अनजाने में शिवलिंग पर बेल पत्र और चढ़ा देने से एक तरह से उसका शिवरात्रि का व्रत पूरा हो गया। जब कुछ रात बीत गई तो एक हिरणी धीरे धीरे चलती हुई वहां आई। वो हिरणी गर्भवती थी। उसे देखकर बहेलिया बड़ा खुश हुआ और उसे मारने के लिए तैयार हो गया, लेकिन हिरणी ने उसे देख लिया। वो बहुत घबरा गई और बड़ी ही दीन आवाज में उससे बोली, देखो शिकारी, मैं गर्भवती हूँ और मेरा प्रसव होने ही वाला है, इसलिए कृपा करके इस समय मुझे मत मारो। अगर तुम मुझे अभी मारोगे तो मेरा बच्चा भी मेरे साथ ही मर जाएगा। बच्चे को जन्म देने के बाद मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम मुझ पर इतनी दया करो कि मुझे बच्चे को जन्म दे लेने दो। उस पर तरस खाकर बहेलिए ने उसकी बात को मान लिया। थोड़ी रात और बीती और एक दूसरी हिरणी वहां आई। बहेलिए ने उसे देखते ही उस पर निशाना साधा। उस हिरणी ने भी बहेलिए से प्रार्थना की कि मैं अभी अभी ऋतुक्रिया से निवृत्त हुई हूँ और अपने पति से मिलन करना चाहती हूँ, इसलिए कृपा करके अभी मुझे मत मारो। पति से मिलन के बाद मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेलिए ने उसकी भी बात को मान लिया। रात के तीसरे पहर में एक तीसरी हिरणी पानी पीने के लिए तालाब पर आई। उसके साथ चार छोटे छोटे बच्चे भी थे। बहेलिए ने उसको देखकर फिर से अपना धनुष बाण उठाया। तब वो हिरणी बड़े ही डरे हुए स्वर में बोली, हे बहेलिए, तुम मुझे मार लो, लेकिन मेरे इन छोटे छोटे नादान बच्चों को मत मारना। अगर तुम मुझे अभी मार देते हो, ये इतने छोटे हैं कि ये घर वापस भी नहीं पहुंच पाएंगे। तुम मुझे इतनी मोहलत दे दो कि मैं इन्हें इनके पिता की शरण में दे आऊं, उसके बाद तुम मुझे मार डालना। न जाने क्यों बहेलिए ने उसकी भी बात मान ली और उसे भी छोड़ दिया। सुबह के समय एक बलवान हिरण वहां आया। बहेलिए ने फिर से धनुष पर बाण चढ़ाया। तब हिरण बोला, अगर मुझसे पहले आने वाली तीन हिरणियों को तुमने मार दिया है तो मुझे भी मार दो। अगर तुमने उन्हें छोड़ दिया है तो मुझे उनसे मिलने के बाद ही मारना। मैं ही उन तीनों का पति और उन छोटे छोटे बच्चों का पिता हूं। हिरण की ये करुणा भरी प्रार्थना सुनकर बहेलिए ने उसे पूरी रात की बात कह सुनाई और उसे भी छोड़ दिया। दिन भर उपवास करने, पूरी रात जागरण करने और अनजाने में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के कारण बहेलिए का मन निर्मल हो गया। उसके मन की क्रूर भावनाएं कोमलता में बदल गई और उसने निश्चय कर लिया कि यदि यह हिरण परिवार लौटकर आ भी जाता है तो वो उनमें से किसी को भी नहीं मारेगा। शंकर भगवान के प्रभाव से उसका हृदय इतना पवित्र और सरल हो गया
कि वो पूरी तरह अहिंसावादी बन गया। कुछ ही देर बाद एक एक करके वो हिरण और तीनों हिरणियां वापस लौट आए और बोले, अब हम अपने अपने कार्य पूरे करके आ गए हैं, अब तुम हमें मार सकते हो। उनकी ईमानदारी और सच्चाई से बहेलिया बहुत ही प्रभावित हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो इतने वर्षों से अपने किए गए कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। उसने अपने हाथ का धनुष बाण वहीं छोड़ दिया और प्रतिज्ञा की कि वो उस दिन के बाद से कभी किसी निर्दोष जानवर का वध नहीं करेगा। स्वर्गलोक से ये सब देख रहे देवताओं ने बहेलिये और हिरण परिवार की बहुत सराहना की। भगवान शंकर ने दो विमान भेजकर बहेलिये और हिरण के पूरे परिवार को शिवलोक का अधिकारी बना दिया। बोल शंकर भगवान की जय।